बताएं, यात्रा में आज शामिल हुए हैं, हरियाणा में प्रवेश कर रही है, किस तरह देखते हैं इस यात्रा को? ये यात्रा बेरोजगारी, महंगाई, नफरत के माहौल और जिस प्रकार से खट्टर सरकार और मोदी सरकार ने देश को लूटा है, ये उसके खिलाफ है। एक नए बदलाव की शुरुआत है और मुझे ये विश्वास है कि यात्रा इस देश में एक नई क्रांति लेकर आएगी। जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो लोगों को लगता था कि इतनी लंबी चल पाएगी, क्योंकि इतना लंबा पैदल चलना कितना बड़ा, इसको आप चैलेंज मानते हैं? ये अपने आप में एक तप है, एक तपस्या है और ये तपस्या करना आज के देश के माहौल में सबसे आवश्यक है। तो रणदीप सुरजेवाला थे, साफ तौर पर यात्रा में शामिल हुए हैं और कह रहे हैं कि यात्रा बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है।